अब जैसे ये क्वेश्चन आया है कि हमारे पास महाराष्ट्र में ज़मीन है, ठीक है, अब इनके पास 2 एकड़ की ज़मीन है, तो हम काम कैसे शुरू करें, मतलब उनका काम, मतलब ट्री प्लांटिंग का काम कैसे शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जो होता है, आपको लगता है कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें पाथवेज़ होंगे, हो सकता है उसमें सड़क निकालनी हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए हो सकता है उसके अंदर आपने घर बनाना हो सकता है आपने गाय भैंस बकरी के लिए कोई छोटा सा शेल्टर बनाना हो सकता है आपने वहाँ पर ट्यूबवेल या सबमर्सिबल लगाना हो। डेफिनेटली अगर आप उस ज़मीन पे आएंगे तो एक गेट भी होगा, उस ज़मीन पे आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पर आपको पार्किंग भी चाहिए होगी, चाहे आपकी स्कूटर की पार्किंग हो, चाहे ट्रैक्टर की पार्किंग हो, चाहे आपके SUV की कार की पार्किंग। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए उस लैंड की यूटिलाइजेशन आप कैसे कैसे करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो मैपिंग कर लीजिए। सबसे ज़रूरी जो काम होता है, सबसे पहले होता है, हम उसको बोलते हैं मार्किंग। क्या बोलते हैं? मार्किंग। तो आप अपनी लैंड को जो सबसे पहले ज़मीन की मार्किंग कीजिए कि ये ज़मीन ऐसी है। अब जैसे ये प्लॉट है, तो ये प्लॉट का ये वाला जो हिस्सा है, आप इसमें ग्रीन एरिया बनाना चाहते हैं, है ना, तभी तो फिर इसकी सॉइल को ठीक करना होगा, यहाँ पर फेंसिंग कैसे करेंगे, गाय भैंस बकरी से कैसे बचाएंगे, यहाँ पर एनक्रोचमेंट ना हो जाए, कोई ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना हो जाए, कोई अपनी गाड़ी वाड़ी लेके इसके ऊपर, पौधों के ऊपर ना चढ़ जाए, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो सारा देखना पड़ता है। तो मार्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। पहले मार्क करें उसको, चाहे चूने के साथ मार्क करें, ब्रिक्स के साथ मार्क करें, स्टोन्स के साथ मार्क करें, पिलर लगा दें, बांस बल्ली लगा दें, रस्सी लगा दें, वायर लगा दें, तो मार्किंग कीजिए। अगर आपको है कि हम पेरीमीटर के ऊपर, पूरे प्लॉट के पेरीमीटर पे आप पेड़ लगाना चाहते हैं, उसमें आपका 500-800 पेड़ आराम से आ जाएगा पेरीमीटर पे, है ना। अगर आप 2 एकड़ की ज़मीन है तो 1000 पेड़ तो बड़े आराम से आ जाएगा। अब वो 1000 पेड़ का आपकी क्यारी जो है पेरीमीटर के साथ में, वो कितनी आप वाइड रखना चाहेंगे, 15 फुट की रखना चाहेंगे, 20 फुट की रखना चाहेंगे, है ना। तो पेपर पेन लीजिए, बैठिए, और आपका जो कोई आर्किटेक्ट फ्रेंड हो उससे सलाह लीजिए, कोई प्रोफेशनल से सलाह लीजिए, और उसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लैंडस्केपिंग कराइए, लेकिन एटलीस्ट मार्किंग तो कीजिए कि हाँ हमने यहाँ घर बनाना है, हमने यहाँ गेट बनाना है, यहाँ पर हमको वॉल चाहिए, हमें यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ एग्जिट पॉइंट है, है ना। फिर उसके बाद आप बताइए कि हमारे पास अब जो मार्किंग की है उसको मेजर कीजिए, फीता लेके उसको मेजर कीजिए, है ना। फिर उसका हम पूरा एरिया निकालेंगे कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो इतना एरिया हो गया। अब इतने एरिया में सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, वो देखना पड़ता है। फिर आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से पौधे और कौन कौन सी खाद और कैसे कितने डिस्टेंस पे वो तब आता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्किंग। अब मार्किंग करके आप हमें भेजिए, मार्किंग करके एक वीडियो बनाइए, मार्किंग करके आप कोई, मतलब जो भी है, रफ बेशक स्केच बना के आप भेजिए, फिर उसके आगे की बात हम आपको बताएंगे।